यहाँ पार्क में हमें एक भैया मिले हैं और इनके हाथों में हमने एक किताब देखी है जो कि आज के ज़माने में बहुत ही कम मिलती है। लोगों के हाथों में जब किताब हुआ करती थी, आज के ज़माने में लोगों के हाथों में मोबाइल रहता है, लेकिन फिर भी इन भैया के हाथों में किताब है। उन पार्क में आते हुए बहुत पार्क में आते हुए और किताब जो है ये लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। किताब कोई भी हो, जहाँ तक मैं सबको बताता रहता हूँ कि किताब कोई भी हो, लेकिन जज्बात एक होते हैं। मैं एक बात इससे बहुत सहमत रहता हूँ कि किताब किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन जज्बात जो लिखे जाते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो भैया के हाथ में एक किताब मिली है, इंग्लिश किताब है। तो पहले तो हम भैया का नाम पूछेंगे कि भैया आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए और किताब के बारे में हमारे हिंदी प्रेमियों को इंग्लिश किताबों का थोड़ा बहुत अगर रोक दे सके तो रोक भी दे जाइए। मेरा नाम शोभित है, मैं बुलंदशहर से आया हूँ। मैंने ग्रेजुएशन योगा से की, उससे पहले मैंने इंटरमीडिएट में हिंदी मीडियम ही था मैं भी, और कॉमर्स से मैंने इंटरमीडिएट करने के बाद फिर हरिद्वार से योगा से ग्रेजुएशन की, और उसके बाद बेंगलोर में लगभग एक साल जॉब की। कल फिट ये मेरी कंपनी का नाम है, वहाँ मैं जॉब करता था बेंगलोर में। तो बुक्स की जो जर्नी है वो तब स्टार्ट हुई जब मैंने स्टोरीज पढ़ना शुरू की। स्टोरी में हिंदी में पढ़ता था बचपन से, चंपक एक बुक आती थी उसको पढ़ता था। उसके बाद बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने हिंदी में ही। उसके बाद फिर जब मैं ग्रेजुएशन में चला गया तो इंडियन एयरफोर्स में मैं सेलेक्ट हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं बाहर हो गया। तो इंग्लिश ज़रूरी थी कमांड करनी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश की बुक पढ़नी शुरू की। पहले लोग बोलते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, डिक्शनरी पढ़ो, ये वो सब पढ़ो, तो उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट शुरू में जगाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो सबसे पहले आप एक स्टोरी को जो आपके पास अवेलेबल हो उसे हिंदी में पढ़ लीजिए और उसके बाद वो वही इंग्लिश में पढ़ लीजिए, तो आपको वो समझ आ जाएगी। अगली बार फिर जब उसको दोबारा पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगी। ये बुक है कमांडो, ये सेकेंड एडिशन है, माइकल बार जोर ने लिखी है और निसिम मिशेल ने, दोनों ये इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते थे। इनकी जो पहली बुक है उसका नाम मोसाद है, उसके सक्सेसफुल एडिशन के बाद ये दूसरी बुक आई है। मोसाद जो थी वो स्पाई ऑपरेशंस के ऊपर थी, ये मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर है। और एक बार आप अगर पढ़ना चाहते तो सबसे फेवरेट जो मिशन है उसका वो ऑपरेशन एंटेबे है, थंडरबोल्ट। एक बार उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि कैसे उन्होंने युगांडा जो उस टाइम पे तानाशाह था वहाँ का इदी अमीन, उससे अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाया, उसी के ऊपर ये मिशन है। सबसे बड़ा तो यही है कमांडो के अंदर। और बाकी मोसाद बुक है जो वो इसकी पहला एडिशन है, उसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता, ये थोड़ी कम इंटरेस्ट है। और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे लोगों को, कैसे लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, क्यों लोग पढ़ नहीं रहे जैसे, तो हम उनको कैसे मतलब भरोसा दिलाएंगे आप भी ये चीजें पढ़ें, लिटरेचर है चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का। शायद लिटरेचर तो इंसान जब ही पढ़ सकता है जब वो उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सके। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में जाने की इच्छा थी तो इसलिए मैंने मोसाद की बुक्स पढ़ी, और बुक्स पढ़नी मैंने जब शुरू की जब वो स्टोरी हिंदी में पढ़ ली और फिर वही स्टोरी मैंने इंग्लिश में पढ़ी, तब इंटरेस्ट आया। और द लिबरल हिंदू नाम से एक चैनल है, उस पर सारे मिशन दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं, उसको गौरव भाई चलाते हैं, वो आप एक बार विजिट कीजिए। इंटरेस्ट उसी से आएगा जब आप पहले उस स्टोरी को हिंदी में पढ़ लें और फिर वही स्टोरी आप इंग्लिश में पढ़ें, उसके बिना इंटरेस्ट नहीं आ सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, जो हमारे आपने दर्शकों को, जो हिंदी के दर्शक हैं उनको आपने इंग्लिश की किताबों के बारे में थोड़ा बहुत बताया, और आशा करते हैं कि आप किताबों की जर्नी में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारी ओर से और हमारे आधा साहित्य आधा मीडिया के वेब न्यूज चैनल के आधा साहित्य आधा मीडिया तो इस हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने आगामी भविष्य के लिए अग्रसर रहें। थैंक यू सो मच।